आखिरकार समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को राहत मिल गई है। आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है। फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें, नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। यानी अब उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में करीब 26 महीने से बंद आजम खान जेल से बाहर आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में 2 हफ्तों के भीतर अर्जी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी है और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया है। आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान सिर्फ एक मामले में ही जेल में बंद है। कुल दर्ज 89 मामलों में आजम खान को 88 में जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। आजम खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से विधायक हैं। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी के आकाश सक्सेना को हराया है। 2019 में लोकसभा चुनाव भी वो जीते थे, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस बार स्वार सीट से जीते हैं।